अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे वर्डप्रेस लॉगिन यूआरएल को कैसे चेंज कर सकते हैं ताकि हमारी वेबसाइट और भी ज्यादा सिक्योर हो जाए, ताकि जब कोई आपकी वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए एडमिन या फिर डब्ल्यूपी एडमिन लिखकर सर्च करे तो लॉगिन पेज ओपन होने की बजाय नॉट फोन वाला पेज ओपन हो जाए। हाँ जी, सबसे पहले अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में ब्राउजर ओपन कर लें। और अपनी वेबसाइट का एडमिन पैनल ओपन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड लिखें। लेफ्ट साइड मेन्यू में जाकर प्लगइन्स वाली ऑप्शन पर क्लिक करें और ऐड न्यू वाले बटन को क्लिक करें। सर्च बार में आप लिखेंगे WP हाइड एडमिन और इंटर का बटन प्रेस कर दें। क्लिक करने पर और भी सिक्योरिटी प्लगइन्स ओपन होंगे, लेकिन जो मैंने जूम किया है आपको यही इंस्टॉल करना है। आप खुद भी देख सकते हैं कि 700,000 प्लस लोगों ने इसको पहले ही इंस्टॉल किया हुआ है। जी तो हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, तो अब हम इसकी सेटिंग करेंगे। मेन्यू में सेटिंग वाले बटन को क्लिक करने पर WPS हाइड लॉगिन का ऑप्शन नजर आएगा, उसको क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉगिन URL और रिडायरेक्शन URL को चेंज करने का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ हम अपनी मर्जी का लॉगिन URL लिख सकते हैं। मैं अपनी वेबसाइट का लॉगिन URL चेंज करके टैग रख देती हूँ ताकि हम प्लगइन को टेस्ट कर सकें, और एंड में सेव के बटन को क्लिक कर दें। अब हम एक न्यू विंडो ओपन करेंगे ताकि चेक कर सकें कि प्लगइन वर्क कर रहा है कि नहीं। अपनी वेबसाइट की डैशबोर्ड को ओपन करने के लिए मैं एडमिन और WP एडमिन दोनों से ओपन करूंगी। जी तो आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट का लॉगिन पेज ओपन नहीं हुआ। इट्स मीन प्लगइन परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हम अपने न्यू सेट किए हुए नेम से लॉगिन करेंगे। वाओ, इट्स अमेजिंग ना, जो हमने न्यू नेम सेट किया था उसे लॉगिन वाला पेज ओपन हो रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।